अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीजी स्टडी पोर्टल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को अपने कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाले चैप्टर से, लाइक कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपके पास थर्ड टर्म 20 है और सिक्स टर्म 160 है तो पहली टर्म फाइंड करें, या आपके पास आएगा 20 टर्म इज़ 40 एंड द 50 टर्म इज़ 200। फिर नेक्स्ट लिखा होगा क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द फाइव टर्म। तो इस तरह से टर्म्स किस तरह से फाइंड करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ज्योमेट्रिक में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मैं आपको करना सिखा चुका हूँ इससे प्रीवियस वीडियो में। तो इसमें हम फाइंड करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में टर्म कैसे फाइंड करनी है। अब यहाँ पर है व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, तो सबसे पहले मोड प्रेस करना है। मोड प्रेस करने के बाद आपने थ्री स्टैट पोर्शन में आना है। स्टैट पोर्शन में आने का सिक्स नंबर पर आना है। सिक्स पर आने के बाद आपने एक्स और वाई का डाटा पुट करना है। डाटा किस तरह से पुट करना है, इफ़ द थर्ड टर्म इज़ 20, पहले थर्ड इक्वल, फिर राइट साइड पे ऊपर आ जाएँ, थर्ड के सामने 20, क्योंकि जीपी हमारी थर्ड टर्म की 20 है, तो 20 लिखें यहाँ पे, इक्वल करें। अब फिर लेफ्ट पे आ जाएँ, नेक्स्ट डाटा क्या है, सिक्स टर्म इज़ 160, तो सिक्स टर्म इज़ 160 ये पुट करने। अब देखें थर्ड टर्म 20 है, सिक्स टर्म आपकी 160 है। अब व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, पहली टर्म चाहिए, पहली टर्म क्या होगी। एसी बटन प्रेस करें, शिफ्ट 1 5 पे इग्रेशन, आपको इसे पीछे वाली वीडियो में बता चुका हूँ ये टर्म फाइंड करने का तरीका है। यहाँ से 5 कौन सी टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए 1 इज इक्वल, तो क्या आंसर आया आपका 5, और यहाँ पर क्या है 5। तो इस तरह से आप अपनी टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फाइंड कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की करनी है तो मोड में आने के बाद 3, फिर आपने नंबर 2 लेना है, ठीक है, ये वाला नंबर 2। तो अगर आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म फाइंड करनी है तो फिर आपने नंबर 6 लेना है, ठीक है, ये वाला 6। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।